फ्रेंड्स, मैं हूं कविता राणा। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के करण के साथ एक कप कॉफी पीने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के निलंबित मामले में एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। उसने इस मामले में पीसी नरसिम्हा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने टीवी चैट शो कॉफी विद करण में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हार्दिक और राहुल को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति सीओए ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। सीओए की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने याचिका में कहा था कि अदालत को बीसीसीआई में लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश देने चाहिए ताकि उन दोनों क्रिकेटर्स के भाग्य का फैसला जल्द से जल्द हो सके। बीसीसीआई के दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे और एएम सप्रे ने कहा कि वे एक हफ्ते बाद मामले की सुनवाई तब करेंगे जब पीएस नरसिम्हा मामले में न्याय मित्र का चार्ज संभाल लेंगे। हालांकि इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने मामले में एमिकस क्यूरी बनने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा को नियुक्त किया है। अब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां उसे इन दोनों ही खिलाड़ियों की कमी खल रही है। ये बात खुद भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने स्वीकार की है। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।